सो गाइस गुड मॉर्निंग। कल और आज में फर्क ये है कि कल जो है 2 बजे दोपहर से व्लॉग शुरू हुआ था, आज बस उठते के 7 से स्टार्ट कर दिया है। अभी 9 बज के 20-25 मिनट हो रहा होगा, सो के उठ गया हूँ। अब फर्दर जो है चाय नाश्ता चलेगा। सो ये मेरा डेली का डोज है, 1 कप चाय, 2-4 बिस्किट और बस मन खुश हो जाता है। अब लॉकडाउन है तो ज़्यादा डिशेज की उम्मीद तो रख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर भुजिया रोटी चलेगा आलू का, और ये हो जाएगा नाश्ता। इसके बाद फिर सीधा खाना, और उस बीच में 3 घंटे 4 घंटे का ब्रेक होगा जिसमें कि एक वीडियो शूट होगी और गार्डन का जो काम इनकम्प्लीट था वो भी पूरा होगा। सो गाइस, जनता कर्फ्यू डे 2 चल रहा है और फिलहाल Note 9 Pro की एक और वीडियो शूट करने वाला हूँ, जो कि आज दिन की पहली वीडियो होने वाली है। इसमें बेसिकली मैं ये दिखाऊंगा कि Note 9 Pro में आप ऐप ड्रॉअर कैसे इनेबल कर सकते हो। अक्सर लोगों के फ़ोन में जो होता है उनको वो नहीं, उनको वो चाहिए होता है जो उनके फ़ोन में नहीं है। तो ये है Note 9 Pro, इसमें ऐप ड्रॉअर का कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पोको लॉन्चर हम इसमें यूज कर सकते हैं ऐप ड्रॉअर। वही मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। मेरा रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है वो नोट 8 प्रो है, और व्लॉग में जो रिकॉर्डिंग के लिए मैं डिवाइस यूज कर रहा हूँ वो है Poco X2। ओके, तो ये वीडियो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। सो गाइस, वीडियो शूट हो गई हमारी, जो कि ऑलरेडी यूसुफ जैक्स पर अपलोड हो जाएगी। ये वीडियो तो आपको रात में मिलेगी, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग में ही अपलोड करता हूँ, देखता हूँ किस टाइम जिस टाइम टाइम मिलेगा। कोशिश तो रहेगी कि रात में ही अपलोड कर दूँ। जैसा कि मैंने बताया था, मेरा एडिटिंग करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सिंपल सिंगल टेक में मेरी वीडियो शूट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वीडियो शूट हो चुकी है, वॉल्यूम मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसका जो है 1080p पे रेंडर पे लगा दिया। वीडियो हमारी रेंडर पे लग गई। जितने देर में वीडियो रेंडर होता है उतना देर में मैं थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सारे काम जो है कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो पब्लिश करने के बाद हम लोग जो है गार्डन में आएंगे, और पीछे हमारा आम का पेड़ है उसकी थोड़ी सी जो है खिदमत करेंगे। तो उसके लिए मुझे बस ये चाहिए, एक खुरपी और एक कढ़ाई जिसके अंदर मट्टी, घास वगैरह वगैरह जैसी चीज़ों को मैं अलग करूंगा। तो अब जो है टाइम लैप्स में भी मैं दिखा दूंगा कि कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत वहाँ पर तो नहीं पड़ेगी। सो गाइस, सीन ये था कि यहाँ पर बहुत सारा पत्ता था, ठीक है, सूखा सूखा, और ये सब पत्ता जो है ये जामुन के पेड़ का था जो यहाँ जस्ट ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है। सो, इस पत्ते को हटाता नहीं तो फिर मैं यहाँ पे क्यारी बनाता कैसे, इसलिए मैंने सारे पत्ते पहले हटा दिए। अब यहाँ पर 2 पेड़ सटा हुआ है आपस में, इस पेड़ को मैं इस साल बरसात में जो है लोकेशन चेंज कर दूंगा, बट फिलहाल जो क्यारी बनेगी वो दोनों के लिए एक ही क्यारी बनेगी, तो बड़ी क्यारी बनेगी जिसमें कम से कम 5 बाल्टी पानी एक बार में जा सके। सो गाइज, आई थिंक कि मेरे हिसाब से काम हो चुका है। पहले हमारे आम के पेड़ का क्यारी बन चुका है, देख सकते हो, कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्यारी मैंने बना दिया, कोई बात नहीं,
बेचारे का मुझे मेरे ख्याल से 2-3 साल बाद मैंने क्यारी बनाया होगा, और सच में यार पैर दुख गया, हालत ख़राब हो गया, चेहरा तो देख ही सकते हो। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि एक किसान दिन रात अपने खेत में कितनी मेहनत करता होगा। मेरे लिए तो एक क्यारी बनाना ही मतलब बहुत कुछ हो गया। और यहाँ पे चारों तरफ पत्ते बिखरे रहे हैं ना सूखे सूखे, जिनको मैं उठा के उधर ले जा रहा था, उन सबको मैं जला दूंगा और उसकी राख से फर्टिलाइजर बनाऊंगा। मैं ज़्यादातर फर्टिलाइजर जो है खुद के बनाए हुए यूज़ करता हूँ, वो भी हम आगे जल्दी देखेंगे। फिलहाल अब और ताकत नहीं है, जा रहा हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। सो गाइज, वैसे तो इवनिंग हो चुका है और फिलहाल मैं छत पे हूँ क्योंकि भाई बाहर तो जा नहीं सकता हूँ। कल उम्मीद है कि मार्केट जाऊँगा क्योंकि घर के लिए कुछ सामान वगैरह लाना है, तो कल में भी जाना पड़े तो बाहर के भी कुछ सीन्स रिकॉर्ड करूँगा। फिलहाल छत पर से मैं व्यू दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त है। पीछे बहुत सारे पेड़ हैं, इस साइड भी पेड़ है और उस साइड जो है पूरा गांव है, और सबसे आगे मतलब एकदम पीछे अगर देखो तो वहां पर जो है पहाड़ है। तो यार वैसे तो मैं डेली कुछ ना कुछ फास्ट फूड खाता था, बट साला अभी के टाइम में सब कुछ बंद है तो अब खुद से ही बना के खाना होगा। तो पास्ता बनाया है और कुछ लोग हैं जो इसको खा सकते हैं, ठीक है, तो कल फिर बनाऊंगा। वीडियो देख रहे हो, अगल बगल से हो तो चले आना, शाम में बनाऊंगा। तो यार सेकंड डे जनता कर्फ्यू, कोरोना ठीक है खत्म हुआ यहाँ पर। रात के करीब करीब 11 बज चुके हैं और इस समय जो है हम लोग आउटर शूट कर रहे हैं। आज भी दिन अच्छा ही गया, बट आज भी मैं कंप्यूटर पे कुछ भी काम नहीं कर पाया। देखते हैं कल क्या होता है, आज टाइम नहीं मिला। गार्डन में यार हालत खराब हो गई थी उस टाइम दोपहर में, फिर मैं सो गया था अच्छा राउंड फिगर 2 घंटे के लिए। खैर तो शाम में मैं आलू लाने के लिए बाहर निकला घर से, और डर के निकला कि पता नहीं पुलिस मुझे पीट दे, क्योंकि पुलिस भी इरिटेट हो गई है यार। मतलब ठीक है, बहुत जगह पुलिस को मैंने देखा कि लोगों को खाना खिलाते हुए, बहुत जगह देखा कि लोग सब्जी लेके जा रहे हैं उनकी भी पिटाई हो गई। तो इसके जिम्मेदार यार वही लोग हैं जो फालतू में घूमते हैं रोड पे। आज मैंने क्या देखा, मेरे तरफ एक एरिया है, आलू लाने के लिए मैं उधर गया था, सारे के सारे घर के लोग जो है अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, मतलब जैसे पिकनिक चल रहा है। हाँ, आधे से ज्यादा लोगों के मुंह पे मास्क भी था, कुछ के गमछा बंधा हुआ था, कुछ का रुमाल था, बट हाँ कवर्ड था। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, पब्लिक गैदरिंग क्यों कर रहे थे वो, और पुलिस वही वहां पे आके बैठ जाएगी तो फिर बुरा लगेगा। वैसे कल जुमा है, बट सैड टू से कि इस बार जुमा की नमाज मस्जिद में नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि पब्लिक गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, और मस्जिद में सब सट सट के ही नमाज पढ़ते हैं। मतलब मेरे बगल में एक आदमी, उसके बगल में एक आदमी, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, सब एक बराबर ही होते हैं मस्जिद में। तो फिलहाल जो है नमाज मस्जिद में नहीं होगी, मतलब होगी बट वो सिर्फ 2 लोगों के लिए होगी, इमाम मुअज्जिन और एक मस्जिद के सेक्रेटरी। तो इमाम साहब जो है एक्चुअली नमाज पढ़ाते हैं, कह सकते हो तुम उनको मेन पंडित, और असिस्टेंट कह सकते हो तुम उनके मुअज्जिन साहब को, उनका भी कुछ अहम रोल होता है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ बट दोनों में डिफरेंस है। खैर, और बाकी जो है सेक्रेटरी यानी जो मस्जिद के सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, ये देखने के लिए कि कोई और जो है गांव के लोग मस्जिद आए नहीं उस टाइम, बाकी लोग घर पे ही नमाज पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग घर पे कैसे पढ़ेंगे। हम लोग सोच रहे हैं जुमा के दिन का नमाज जो होता है जोहर का, यानी दोपहर के टाइम का जुमा का जो नमाज होता है, उसमें यार कुछ लोग चाहिए, मतलब वो ग्रुप में ही होता है, अकेले नहीं हो सकता है। तो सोच रहा हूँ अब्बा और हम मिलकर तो 2 लोग हो जाएंगे, बगल से मामा जी को ले लेंगे, उनके बेटे को ले लेंगे, तो 4 लोग हो जाएंगे, तो हम लोग का ग्रुप बन जाएगा। तो आई थिंक हम लोग जो है जुमा की नमाज घर पे ही पढ़ लेंगे ग्रुप बना के। अगर ग्रुप नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं यार, जोहर की नमाज पढ़ लेंगे। सीन ये है, इस्लाम में कहा गया है कि इंसान की जान जो है वो सबसे कीमती है, ठीक है। तो जब इंसान की जान पे खतरा है तो घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो उनको यार समझ जाना चाहिए। खैर, वक्त उनको समझा देगा, क्योंकि बीमारी बहुत खतरनाक है और वक्त हमारे पास जो है वो पता नहीं कितना है। कम से कम स्पीड से बढ़े उसी में हमारी भलाई है, क्योंकि रुका तो नहीं है, जनता कर्फ्यू से स्पीड कम हो गया है। आज बड़े दुख की बात है, 16 डेथ हो चुकी है अब तक में, और कोई ना कोई नया पेशेंट हर रोज सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पे एक गुड न्यूज भी है, यूसुफ जैक्स चैनल पे आज 1,30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए।
तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई गलती नजर आई हो तो यार कमेंट करके बताओ, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से, क्योंकि ये हमारी आज दूसरी वीडियो थी।